मान्यवर, एनडीपीएस के तहत हमने सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी, आसाम राइफल, ये तीनों को केस करने के अधिकार दे दिए गए हैं, क्योंकि कहते हैं भाई सीमा भारत की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, निगरानी नहीं रखते, ड्रग वहां से आ रही है। और जब बीएसएफ को अधिकार देते हैं तो कहते हैं राज्यों के अधिकार ले लिए, तो बीएसएफ वहां क्या करेगी भाई, आप बताइए मुझे क्या करेगी। मान्यवर, ऐसा मसला नहीं है। और बीएसएफ कौन सी फॉरेन एजेंसी है? हमारे देश के दुश्मन ड्रग भेज रहे हैं, बीएसएफ वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। एसएसबी वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। क्या करेंगे निहत्था बैठकर? जो लोग इसको पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं वो ड्रग के कारोबार का समर्थन कर रहे हैं। एजेंसियां निहत्थी होकर काम नहीं कर सकती। मान्यवर, एजेंसियों को अधिकार देना पड़ेगा। और मेरा स्पष्ट मानना है कि एजेंसियों को अधिकार देना चाहिए। हमारी एजेंसियों पर, देश की एजेंसियों पर, देश का संसद को अगर भरोसा नहीं है तो किस हिम्मत से वो काम करे?